विपाशा और कंट्रोवर्सीज रहे साथ साथ पिछले हफ्ते। कभी उन पर लगाया गया इल्जाम सॉकर सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किस करने का, तो कभी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने का। खबर थी कि सेक्सी बिप्स की हॉट बॉडी का राज है सिलिकॉन इम्प्लांट, और तो और उन पर था इल्जाम उस कॉस्मेटिक सर्जन को पूरे पैसे ना देने का भी। और दूसरा बखेड़ा था उनका और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कंट्रोवर्शियल किस। ये हुआ था लिस्बन में, जहां वो गई तो थी ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल करवाने और फंस गई इस झमेले में। विपाशा गई तो थी लिस्बन प्यार के प्रतीक ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल करवाने, मगर वहाँ वो कर बैठी एक भूल। लिस्बन के एक नाइट क्लब में विपाशा नजर आई सॉकर सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किस करते हुए। ताजमहल ने तो लिस्बन में अपनी जीत दर्ज करवा दी, मगर लगता है विपाशा हार बैठी अपना दिल हार्टथ्रॉब रोनाल्डो पर। इन दिनों लगता है कि विपाशा के सितारे गर्दिश में हैं। पिछले कुछ महीनों से उनका नाम किसी न किसी कंट्रोवर्सी से जुड़ा है। पहले तो उनके और जॉन अब्राहम के रिश्ते में दरार को लेकर चर्चा खूब जोरों पर थी, और इसी दौरान उनके एक्स फ्लेम डीनो मोरिया से बढ़ती हुई करीबी को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए। फिर बारी आई सैफ से उनकी गहरी दोस्ती की। इन सभी बातों से जाहिर है कि उनके और जॉन के बीच की दूरी थोड़ी और बढ़ गई होगी। उस पर से रोनाल्डो के साथ उनका ये किसिंग एक्ट है सोने पर सुहागा। देखना है कि जॉन अब विपाशा की इस खबर पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। हैरानी तो तब हुई जब विपाशा ने खुले अल्फाजों में इस किस वाली बात को कबूल किया, मगर साथ ही उन्होंने अपना दामन बचाते हुए ये भी कह डाला कि ये तो लोगों की नजरों का दोष है, उनका और रोनाल्डो का ऐसा कोई मकसद नहीं था। वेल, विपाशा के इस बयान पर लोग यकीन करें ना करें, मगर हो सकता है जॉन को थोड़ी राहत मिल जाए। कायनात खान, जूम, मुंबई। कंट्रोवर्सी गर्ल राखी सावंत का मशहूर कोट है कि अगर लड़की की खूबसूरती में ऊपर वाला कोई कमी रखता है तो उस कमी को पूरा करते हैं डॉक्टर्स, और इसीलिए राखी सावंत अक्सर तरह तरह के इम्प्लांट्स और सर्जरीज करवाती रही है। मगर हाल ही में राखी की तरह विपाशा की भी सिलिकॉन इम्प्लांट करवाने की खबर मिली है, जो कि उन्होंने करवाई थी 4 साल पहले, यानी अपनी फिल्म जिस्म की शूटिंग से पहले। शायद इसी के कारण इस फिल्म में विपाशा का लुक इतना सेडक्टिव नजर आया है। मुंबई बेस्ड इस कॉस्मेटिक सर्जन का ये भी दावा है कि विपाशा ने इस सर्जरी की पेमेंट अब तक नहीं की है। उनके मुताबिक विपाशा का फिगर ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसा कि वो अब है। ये उनकी सर्जरी का ही कमाल है। यहाँ तक कि विपाशा ने क्लिनिक में अपने नाम की जगह किसी फर्जी नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया था। विपाशा की खूबसूरती के आजकल तो सभी कायल है, मगर शायद ये कोई नहीं जानता था कि विपाशा ने इस सेक्सी इमेज को पाने के लिए किए हैं कई जतन। विपाशा बासु ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत से पहले उसी क्लिनिक में अपनी कानों की सर्जरी भी करवाई थी। ये भी दावा है उसी सर्जन का। उस वक्त उनके एक्स बॉयफ्रेंड मिलिंद सोमन उनके साथ मौजूद थे। फिर आई बारी सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट की, और अब विपाशा करवाना चाहती है अपनी आँखों का लेजर ट्रीटमेंट भी। यानी विपाशा अपनी उस हर कमी से पीछा छुड़ा लेना चाहती है जो उनकी खूबसूरती के आड़े आएगी। फिलहाल तो इंडस्ट्री में इस तरह के सर्जरीज का चलन हो गया है। मेल एक्टर्स अक्सर अपने बालों की कमी पूरी करने के लिए करवाते हैं हेयर इम्प्लांट, तो एक्ट्रेसेस करवाती है इसी तरह के सिलिकॉन इम्प्लांट्स। यानी पर्दे पर दर्शकों को लुभाने के लिए इन एक्टर्स को क्या क्या जतन करने पड़ते हैं। कायनात खान, जूम, मुंबई।